बसपा प्रमुख मायावती जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी, राजद नेता तेजस्वी यादव जी, क्या आपको इस बात का अंदाजा भी है कि आपकी लड़ाई किससे है? अगर अंदाजा है तो उससे लड़ने की क्या तैयारी की हुई है आप सब ने? क्या आपको मालूम है कि पूरे देश में आरएसएस की 59,000 शाखाएं संचालित की जा रही है? जब आप सो रहे होते हैं, इन शाखाओं में संघ के सदस्य एकत्रित हो चुके होते हैं। संघ 12 भाषाओं में 30 पत्रिकाएं प्रकाशित कर नियमित रूप से 2,00,000 गांवों तक भेज रहा है। अभी कुछ महीने पहले हरियाणा में इन पत्रिकाओं को पहुँचाने वाले 572 डाकियों का सम्मान भी किया गया। संघ ने विगत 2 सालों में नारद जयंती पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम कर 2,000 से ज्यादा पत्रकारों को सम्मानित किया। और आपने क्या किया? ब्लॉगर्स और स्तंभ लेखकों के साथ संघ की निरंतर बैठकें होती रहती है, जिसमें ब्लॉगर्स और स्तंभ लेखकों को सम्मानित किया जाता है। और आप लोग क्या करते हैं? अब आप बताइए कि संघ के मुकाबले बराबर आपके पास कौन सा तंत्र है? सिर्फ और सिर्फ 4 चाटुकार और दलाल टाइप के लोगों के अलावा आप तो शूद्र समाज को भी, यानी कि ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज को भी ऑर्गेनाइज और यूनाइट नहीं कर पाए। जरा देखिए संघ ने और क्या क्या किया है। देश के लगभग 65% ओबीसी समाज के लोग बजरंग दल में हैं, विश्व हिंदू परिषद में हैं, शिवसेना में हैं, गोरक्षा दल में हैं, आरएसएस में हैं, हिंदू युवा वाहिनी में हैं, श्रीराम सेना में हैं, गायत्री परिवार में हैं, आर्य समाज में हैं, स्वाध्याय परिवार में हैं, करणी सेना में है और जितने भी देश में धार्मिक संगठन है सभी में है। सिर्फ यहाँ नहीं है ओबीसी के लोग, न्यायालयों में जज नहीं है, सरकारी वकील नहीं है, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर नहीं है, शासन में सचिव नहीं है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर नहीं है, डिप्टी कलेक्टर और एसपी नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों में सीएमडी या डायरेक्टर नहीं है, जनसंख्या के अनुपात में मंत्री विधायक और सांसद नहीं है, मीडिया में मालिक संपादक और ब्यूरो चीफ नहीं है, भारत में एक भी बड़ा बिजनेसमैन ओबीसी का नहीं है। मनुस्मृति की वापसी रोक सके तो रोक लें। जज कॉलेजियम से बनेंगे, आईएएस लेटरल एंट्री से बनेंगे, बाकी नौकरियां ठेके या संविदा पर होगी। बेहतर शिक्षा इतनी महंगी होगी कि कोई ईमानदार व्यक्ति वहां अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा। और सरकारी शिक्षा को साजिश के तहत बर्बाद किया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, जहां आरक्षण का लाभ मिलता है। आरक्षण तो रहेगा पर सरकारी क्षेत्र में नहीं रहेगा, तो आरक्षण अपने आप ही खत्म हो जाएगा और उसे खत्म करने का दोषी भी कोई नहीं होगा। एससी एसटी ओबीसी को प्रतिनिधित्व विहीन किया जाएगा, उन्हें उनके जातिगत पेशों पर लौटने के लिए मजबूर किया जाएगा। ये नौबत इसलिए आई है कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने महज पेट भरने की नौकरियां की। एससी एसटी ओबीसी के जिन लोगों ने, यानी कि जिन महापुरुषों ने 1848 से 1956 तक 108 वर्ष के कठिन संघर्ष की बदौलत मिले शिक्षा, नौकरी एवं राजनीति के अधिकारों का लाभ लिया, उन्होंने अपना समय, बुद्धि, पैसा, हुनर का सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत फायदे के लिए उपयोग और प्रयोग किया, पे बैक टू सोसाइटी नहीं किया। संविधान बचाओ क्रांति को फैलाओ पूरे देश में, लोग अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। नेताओं की ये पहली और नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। असगर ने एससी एसटी ओबीसी को निगलना शुरू कर दिया है। अगला नंबर किसका है, इस विषय पे चिंता कीजिए।